वेलकम बैक। दिस इज़ द लास्ट सेगमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से, विच इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ ओप। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं, जो कि कॉमन है अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस। अगर हम इसके नेम को देखें तो इसके नेम में जो पॉली है दैट मीन्स मैनी, और जो मॉर्फ है वो रेफर करता है फॉर्म को। सो पॉलीमॉर्फिज्म इन जनरल अगर हम बात करें तो यू कैन से दैट इज़ अबाउट मल्टीपल फॉर्म्स या मैनी फॉर्म्स। जब हम टेक्निकली बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिनेरियो में, तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद ये होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल फॉर्म्स के तौर पे एक्ट करना, या उसकी जो मल्टीपल कैटेगरीज है या मल्टीपल टाइप्स हैं उसके मुताबिक डील करना, ये जो कैपेबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इस एबिलिटी को हम कहीं ना कहीं अभी तक हमने जितनी एग्जांपल देखी हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेथड ओवर राइडिंग का, सॉरी, जिसमें हमने दोबारा से इस्तेमाल किए थे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो हम किसी भी पेरेंट क्लास में यूज़ कर चुके होते हैं। उन्हीं से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट जो कि आप ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को, उसी एक एग्जांपल को लेंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म हमें किस तरह से हेल्प आउट करती है। सो एक सिंपल सी एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिख लेते हैं और इसको बाद में हम यूज़ करेंगे फर्दर अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। सिंपल सी एक क्लास बनाते हैं, इस क्लास का हम नाम रख लेते हैं एनिमल। अपनी इस एग्जांपल को हम कोशिश करेंगे जितना हो सके सिंपल रखें। इसके अलावा हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, इस मेथड का नाम रख लेते हैं मूवमेंट, और इस मेथड में हम सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसमें हम लिख देंगे एनिमल इज मूविंग। ठीक है, ये बिल्कुल जेनेरिक है, ये एक ऑब्जेक्ट एनिमल बेसिकली, तो ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट ही हमारे पास उसकी मूवमेंट की जो करेक्टरिस्टिक है, तो इसको भी आप एक ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब हम एक क्लास लेते हैं, क्लास का हम नाम रख लेते हैं बर्ड, इसमें हम एक्सटेंड कर लेते हैं एनिमल क्लास, दैट मींस के जो एनिमल क्लास है वो इसकी पेरेंट क्लास है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं, मेथड ओवरराइडिंग का, सॉरी ओवरराइड, ये हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे ये सेम मेथड जो हमने ऊपर लिखा था मूवमेंट पेरेंट क्लास में भी सेम मेथड नेम है, यही हम मेथड नेम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यानी कि उसी मेथड को जो एनिमल क्लास में मौजूद है उसको हम बेसिकली ओवरराइड कर रहे हैं, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से जब मूवमेंट का मेथड कॉल होगा तो वो इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा जो कि चाइल्ड क्लास में मौजूद है। सो दिस इज़ हाउ ओवरराइडिंग वर्क्स। ये हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं, यही एक तरह की पॉलीमॉर्फिज्म को इंश्योर करता है, ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं कि किसी भी जो हमारा कोड है उसकी रीयूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसको देखते हैं हम कैसे ये हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द बर्ड इज़ फ्लाइंग, सिंपल रखते हैं इसको एक सिंपल से स्टेटमेंट के थ्रू, प्रिंट स्टेटमेंट। उसके बाद हम यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, इस क्लास का हम नाम रख लेते हैं फिश। उसके बाद एक्सटेंड कर लेते हैं अगेन एनिमल क्लास को, दैट मींस कि इसकी पेरेंट क्लास भी एनिमल क्लास है, और वंस अगेन हम सेम मेथड यहाँ पे भी ओवरराइड करने वाले हैं, ओवरराइड, और उसके बाद हम वही मेथड जो पेरेंट क्लास यानी एनिमल क्लास में यूज़ किया था जिसका नाम था मूवमेंट, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इधर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम यहाँ पर मैंशन कर देंगे द फिश इज़ स्विमिंग। अब ये ग्रामेटिकली ठीक है ये नहीं, इसको आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आखिर में सेमी कोलन यूज़ कर लेते हैं, और ये हमने बेसिकली सिंपल सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया जिसमें तीन हमारे पास क्लासेस हैं, एनिमल क्लास है, उसकी एनिमल की चाइल्ड क्लास है बर्ड क्लास, और फिर इसी तरह एनिमल की एक और चाइल्ड क्लास है फिश। अच्छा, इन दोनों की पेरेंट क्लास एनिमल है, दोनों ने क्या किया है अपनी इस पेरेंट क्लास का जो कि ये मेथड है मूवमेंट के नाम से, दोनों ने इसी मेथड को ओवरराइड किया है, लेकिन क्योंकि मूवमेंट के हवाले से ये हैं तो दोनों एनिमल कैटेगरी की, लेकिन इसी एक ऑब्जेक्ट की आगे मल्टीपल फॉर्म्स है, लाइक बर्ड है, फिश है, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उसकी, उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है इसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी है
ये जो इसकी मूवमेंट है उसके हवाले से। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करने वाले हैं, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं बर्ड क्लास का। न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, और उसके बाद इसी कीवर्ड सॉरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से बर्ड डॉट मूवमेंट वो मेथड कॉल कर लेंगे। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगर कोई एरर नहीं आया तो। ये देखें, द बर्ड इज़ फ्लाइंग, यानी कि वो जो एक्चुअल मेथड था उसमें लिखा था एनिमल इज़ मूविंग, क्योंकि ये इस पेरेंट क्लास का मेथड था, लेकिन हमने क्योंकि ओवरराइट कर दिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि एनिमल की एक स्पेसिफिक फॉर्म है बर्ड, तो उसके मुताबिक हमने ओवरराइट किया, तो अब ये द बर्ड इज़ फ्लाइंग हमें रिटर्न कर रहा है। तो ये इस कोड की फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो ओवरराइडिंग का एक तरीका कार्य, ये पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें फिश, स्मॉल में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे वंस अगेन, और यहाँ पे इसके रेफरेंस से हम कॉल कर लेते हैं मूवमेंट, सेम मेथड जो ओवरराइड किया था पेरेंट क्लास का। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको रन करूँगा, और अब देखें ये नीचे जो हमारे पास आउटपुट आ रही है, जस्ट अ मिनट, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। अब आप इस आउटपुट को देखें, द बर्ड इज़ फ्लाइंग, द फिश इज़ स्विमिंग, सेम मेथड है, दोनों जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो एक ही पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में जो मेथड है वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ पॉलीमॉर्फिज्म वर्क्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि हम एक ही ऑब्जेक्ट को उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उसका जो बिहेवियर चेंज करवा लेते हैं। तो ये हमें कोड की फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और ये हमने कोशिश किया कि इस एग्जांपल को हम सिंपल रखें, इस सिंपल से ये एग्जांपल के ज़रिए हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे एक्ट करती है। सो दिस इज़ वेयर हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सारा सेशन है वो यहाँ पर कंक्लूड होता है। सो आई होप कि अब आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ख़ास तौर पे डार्ट प्रोग्रामिंग के हवाले से वो क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पे हम इस पूरी सीरीज़ को कंक्लूड करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45 सेगमेंट से ज़्यादा इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जिसमें हमने डिटेल में बेसिक से लेकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट और इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। सो अगर इसे आपको बेनिफिट मिला है तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा आप इसी से रेलिवेंट मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कोड यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में इस्तेमाल हुआ है उसका गिटहब का लिंक आपको सोर्स कोड के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो डिफरेंट जो रेलिवेंट कोर्सेज हैं प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट, और जो जो नेटिव AI के हवाले से मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और सीरीज़ में, किसी और वीडियो में।